सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक। टोहाना उपमंडल के चारों गांव में कई कारणों से चलते खाली पड़े पंचों के पदों को भरने को लेकर दो गांव में शांतिपूर्ण चुनाव प्रक्रिया चल रही है। बीडीपीओ नरेंद्र सिंह गांव इंदाछोई और तलवाड़ा के मतदान केंद्रों पर जाकर मतदान प्रक्रिया का जायजा ले रहे हैं। 4 बजे दोनों गांव में चुनाव के नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। जानकारी के अनुसार उपमंडल के गाँव समेण, बिढ़ाई खेड़ा, इंदाछोई और तलवाड़ा में पिछले काफी वक्त से एक एक पंच के पद खाली पड़े हुए थे। सरकार के निर्देशानुसार पंचायत विभाग की ओर से रविवार को चुनाव प्रक्रिया कराई गई। गांव समेण में सर्वसम्मति से पंच का चुनाव कर लिया गया है। वहीं बिढ़ाई खेड़ा से कोई प्रत्याशी नामांकन के लिए नहीं आया। गांव इंदाछोई के वार्ड 1 के लिए 3 उम्मीदवारों ने नामांकन किया है। इस वार्ड के पंच की सरकारी नौकरी लगने के चलते ये पद खाली पड़ा था। वहीं तलवाड़ा के वार्ड 7 में 2 प्रत्याशियों के बीच मुकाबला चल रहा है। बीडीपीओ ने मौके पर जाकर चुनाव प्रक्रिया का जायजा लिया और शांतिपूर्ण चुनाव होने की जानकारी दी है। चुनाव शांतिपूर्ण चल रहा है। वार्ड नंबर 1 का चुनाव है, पंच का उपचुनाव है ये। और ये जो अपने पंच महोदय थे उनकी जॉब लगने की वजह से पद रिक्त हो गया था, और ये रूटीन में हर 6 महीने में जो भी रिक्तियां होती हैं उनके लिए चुनाव होता है। और इंदाछोई में वार्ड नंबर 1 के पंच चुनाव के लिए 3 कैंडिडेट चुनाव मैदान में है और शांतिपूर्वक चुनाव हो रहा है, बहुत बढ़िया तरीके से हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो चुनाव कितने बजे शुरू है? 8 बजे शुरू हुआ था, ये 4 बजे तक कंप्लीट हो जाएगा। क्या गिनती यहीं होगी? हाँ, गिनती यहीं, आज रिजल्ट यहीं डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ठीक है सर। और व्यवस्था क्या है सर? बिल्कुल ओके है, सब चाक चौबंद प्रबंध है, सब शांतिपूर्वक चुनाव हो रहा है, कोई। सत्य खबर के लिए टोहाना से सुशील सिंगला की रिपोर्ट। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।